हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टू द पॉइंट में। स्वागत है। ओके, आज जो मेरी क्लास होने वाली है वो क्लास बीए फाइनल ईयर का है, और फाइनल ईयर का ये फर्स्ट पेपर है जो कि जिसमें आज हम लोग देखेंगे फाइनल ईयर के यानी कि टेक्सटाइल वस्त्र विज्ञान के अति महत्वपूर्ण जो आपके अति लघु उत्तरी यानी कि वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन आते हैं उसके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग का एग्ज़ाम है, आप लोगों के लिए एक एक देखा जाए तो एक तो डोज के समान होगा जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा और साथ में हमें कमेंट भी करिएगा। ओके, चलिए हम लोग अपना वीडियो को डिस्कस करते हैं। वीडियो को डिस्कस करते हैं, हम लोग देखते हैं अपने वीडियो को कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो आप लोग देख रहे हैं। आप लोग का टॉपिक यहाँ पे अति लघु उत्तरीय का हम लोग यहाँ पे आज क्वेश्चन देखने वाले हैं। हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और ये पेपर में हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। और ये क्वेश्चन ये ऐसा नहीं है कि एक बार एग्ज़ाम में आया, ये बहुतों बार आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा वीडियो को बिना स्किप किए। तो आपका ये पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है रोलर छपाई कैसे होती है। तो रोलर छपाई की बात अगर की जाए तो रोलर छपाई के लिए हम लोग बेलन का जो है प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तो एक इस तरह से बेलन होता है। इस तरह से एक बेलन होता है, पहले तो हाथ से किया जाता था तो बेलन की तरह होता था और इसी पे डिजाइन बना हुआ होता था, और कलर लगाकर हम लोग कपड़े पे इस तरह से उसे घुमाते थे और उस पर क्या होता था वो छप जाता था। लेकिन अब ये क्या है, अब मशीनीकरण का ज़माना है तो ये सेम काम अभी भी रोलर से ही होता है। उस पर डिजाइन बने हुए होते हैं, उसके उभरे हुए डिजाइन होते हैं, उस पर कलर लगा हुआ होता है और कपड़ों पर वो प्रेस करते हुए चला जाता है और उस पर छपाई हो जाती है। तो ये तो मैंने आप लोग को बताया, अब आप लोग इसकी एग्जैक्ट आंसर को देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है उभरे हुए नमूनेदार बेलनों द्वारा वस्त्रों पर नमूने छापने की विधि को रोलर छपाई कहते हैं। और रोलर छपाई करने के लिए वस्त्र को रोलर के मध्य में गुजारा जाता है, यानी कि ऊपर नीचे, यानी कि उसके बीच से ऐसे एक ऊपर बेलन लगा हुआ होता है एक नीचे। तो दोनों बेलन, तो दोनों तरफ अगर एक तरफ की छपाई की जाती है तो सिर्फ एक तरफ बेलन चलता है, लेकिन अगर दोनों तरफ छपाई करना होता है तो वो क्या करता है कि दोनों की तरफ से ऐसे बीच से निकाल दिया जाता है। तो कपड़ों को क्या किया जाता है, उसके मध्य से गुजारा जाता है जिससे उस पर अंकित डिजाइन कपड़ों पर छप जाती है। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, बस आपको एक जब भी आप लोग कोई भी चीज़ को पढ़िए तो उसको एक थोड़ा सा कल्पना कर लीजिए, बस आप लोग का याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो आपको याद हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी है आप लोग का, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है तो बिल्कुल इसको याद कर लीजिएगा, जिससे उस पर अंकित डिजाइन जो होती है वो क्या होता है उस पर छप जाती है। क्या होता है उस पर छप जाती है, छप जाती है विभिन्न रंगों का प्रयोग करने के लिए अलग अलग रोलर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार वस्त्र पर अलग अलग रंगों के डिजाइन क्या होते हैं उभर कर आते हैं। ये आपका आंसर रहा अति लघु उत्तरीय का, रोलर छपाई कैसे होती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा तो आपके स्क्रीन पे है, ये आपका है ऊन एवं रेशम पर छाड़ का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो क्षारीय पदार्थ होते हैं ऊन के लिए नुकसानदायक होते हैं, छाड़ के कारण ऊनी रेशे क्या होते हैं गल जाते हैं, क्या होते हैं तो ये गल जाते हैं। और पीले पड़ जाते हैं, अपना प्राकृतिक संदर्भ खो देते हैं। रेशम पर भी छाड़ का हानिकारक प्रभाव पड़ता है, छाड़ का हल्का घोल भी रेशम के तंतु को क्या कर देता है समाप्त कर देता है। तो बस इतनी सी बात आप लोग लिख लीजिए, इतनी सी बात आप लोग याद कर लीजिए कि जो छाड़ होता है वो ऊन और रेशम दोनों के लिए हानिकारक होता है। दोनों को ही नुकसान पहुंचाता है, और दोनों का क्या होता है, अगर छाड़ की मात्रा ज़्यादा होती है तो ऊनी कपड़े गल जाते हैं,
उसमें पीलापन आ जाता है, उसकी प्राकृतिक जो संदर्भ होता है वो नष्ट हो जाता है। उसी तरह आपका रेशम भी होता है, ये भी हानिकारक प्रभाव डालता है और इसमें भी क्या होता है, घोल में तंतु गल जाते हैं और उसकी तंतु वो चमक जो है खत्म हो जाती है। ओके, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, बहुत ही बार पेपर में पूछा गया है और इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है, ये बोला गया है फाइब्रिन एवं सिरोसिन क्या है। बिल्कुल, फाइब्रिन और सिरोसिन क्या है, तो आप लोग को याद रखना है जो आप लोग का रेशम होता है किसमें पाया जाता है। तो रेशम एक कैसा रेशा है, तो आप लोग बताएंगे कि ये प्राकृतिक रेशा है और कहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो आपको प्राणी जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है। कहाँ से, तो प्राणी जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है। और जितने प्राणी जगत से प्राप्त होने वाले रेशे होते हैं वो कैसे होते हैं, तो आप लोग बताएंगे प्रोटीन युक्त होते हैं। ओके, इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है और यही जो प्रोटीन होता है वही प्रोटीन रेशम में जो प्रोटीन पाया जाता है वो क्या होता है, फाइब्रिन सिरोसिन नामक का प्रोटीन होता है, वही आपका प्रोटीन होता है। यहाँ पे उसी बात को यहाँ पे पूछा गया है, आपके ऊन में यानी कि प्राणी जगत से आपको दो रेशे प्राप्त हो रहे हैं, एक आपका ऊन एक आपका रेशम। बिल्कुल याद रखिएगा, एक ऊन आप लोग से क्वेश्चन भी अतिलोकोत्तरीय में पूछ सकता है कि ऊन वो प्राणी जगत से कौन कौन से रेशे प्राप्त होते हैं, तो ये दो रेशे प्राप्त होते हैं और इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ऊन में जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन जो होता है आपका किराटिन नाम की होती है। ठीक, ऊन में जो प्रोटीन होती है किराटिन नामक प्रोटीन होती है। और अगर आप लोग का रेशम की बात की जाए तो फाइब्रिन और सिरोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ओके, इतनी तो मैंने आप लोग को ऐसे ही नॉलेज दे दी। आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है कि फाइब्रिन कोकिंग का मतलब होता है जिसमें कीड़े होते हैं, जो इस तरह से उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके जो रेशे इसके अंदर जो लपटे हुए होते हैं उसको कहा जाता है। कोकिंग से जो रेशा खींच निकाला जाता है उसे फाइब्रिन कहते हैं, या दोहरे धागे के रूप में होता है जो आपस में गोंद युक्त पदार्थ सेरेसिन से जुड़ा रहता है। सेरेसिन एक गद जैसा पदार्थ होता है जो कि रेशम के कीड़ों के मुख से निकलता है, इसे दोहरा धागा आपस में सटा रहता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब आगे हम लोग देखेंगे फोन नंबर आंसर को देखेंगे। फोन नंबर आंसर को यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के रेयॉन को आपको बताना है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के रेयॉन को बताना है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा है, कोई टफ नहीं है। विभिन्न प्रकार के रेयॉन का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं चार आपका रेयॉन होता है, एक नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन होता है। ओके, नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन, विस्कोस रेयॉन, क्रूप्रामोनियम रेयॉन और एसीटेट सेल्यूलोज, ये चार आपके रेयॉन के प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, रेयॉन के प्रकार होते हैं। ओके, आप लोग से एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि रेयॉन के जो है जनक किसे कहा जाता है, तो इस बात को बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा कि काउंट हिलेरी डी चाल्टोनेट को कहा जाता है। ओके, ये क्वेश्चन भी आप लोग का पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि रेयॉन के जनक किसे माना जाता है, तो आप लोग बताएंगे काउंट डी हिलेरी चाल्टोनेट। ओके, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका आता है फिड डॉग का सिलाई मशीन में क्या काम है। तो इसको ये कुछ नहीं होता, ये जो आप लोगों का होता है सिलाई मशीन में जो कपड़े को आगे पीछे करता है। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि सिलाई करते समय प्रेस बुट के मदद से कपड़े को आगे पीछे फेंकने का इसका कार्य होता है। जो आपका इस तरह से ऐसे दो पैर बने हुए होते हैं, ठीक, इस तरह से दो पैर मशीन में जो बने हुए होते हैं वही आपका होता है फिड डॉग। ओके, जो कपड़े को आगे पीछे ले जाने में मदद करता है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं तो 6 नंबर आपका जो क्वेश्चन है, मर्सराइजेशन
मॉइस्चराइजिंग परिसज्जा किन वस्त्रों पे की जाती है? तो मॉइस्चराइजिंग जो परिसज्जा है ये आप लोग का कपास पे किया जाता है। किस पे? तो देखिए, मॉइस्चराइजिंग परिसज्जा कपास एवं लिनन पर की जाती है। और किसके लिए की जाती है? तो मॉइस्चराइजेशन में वस्त्र पर कास्टिक सोडे की प्रक्रिया की जाती है। और किस लिए की जाती है? तो इसके चमक को बढ़ाने के लिए। किसके? तो इसके चमक को बढ़ाने के लिए मॉइस्चराइजिंग की परिसज्जा की जाती है। इसमें चिकनाई, ठीक है, चिकनाई लाने के लिए और क्या कहते हैं, चमक लाने के लिए ये परिसज्जा दी जाती है। आपका किसको दी जाती है? तो कपास और लिनन के वस्त्रों पर की जाती है। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है। बोला है कि कार्बोनाइजिंग क्या होता है, ठीक है, तो ऊन के रेशों से अशुद्ध दूर करने की प्रक्रिया क्या होती है? कार्बोनाइजिंग कहलाती है। इसमें ऊनी रेशों को तेजाब के घोल से क्या क्या किया जाता है? धोया जाता है। ओके, जो इसमें ऊन जो ऊन के ऊपर जो गंदगी वगैरह अशुद्धियाँ होती है उनको हटाने के लिए जो कि एक तेजाब का घोल होता है उसमें धोया जाता है, उसे ही कार्बोनाइजिंग के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है ये लिखा है, सिल्वर फिश वस्त्र पर किस प्रकार प्रभाव डालता है? ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सिल्वर फिश वस्त्र के रेशे को धीरे धीरे खा जाती है जिससे वस्त्र नष्ट हो जाता है या एक प्रकार का कीड़ा होता है। ये कीड़े ऊनी वस्त्र, कालीन, गलीचे आदि को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सिल्वर फिश क्या होता है? तो एक प्रकार का ये कीड़ा होता है जो कि आपके ऊनी वस्त्रों पे जो कालीन होती है, जो गलीचा होता है, इस पर लगते हैं और इसको क्या करते हैं, खा जाते हैं, धीरे धीरे इसको नष्ट कर देते हैं। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 8 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो आप लोग देख सकते हैं, कपास के तंतुओं पर फफूंदी एवं कीड़ों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस पे बुरा प्रभाव पड़ता है। अभी भी आप लोगों ने ऊपर देख ही लिया कि कपास के तंतुओं को नमी तथा सीलन युक्त स्थान पे रखने से क्या होता है, इसमें फफूंदी लग जाती है जिससे कपड़े गलकर नष्ट होने लगते हैं या वस्त्रों से दुर्गंध आने लगती है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो दिया गया है आपका क्वेश्चन है, एस्बेस्टेज तंतु की विशेषता आपको बताना है। तो एस्बेस्टेज तंतु कौन सी होती है? तो एक ये खनिज तंतु है। ओके, एक ये क्या है? खनिज तंतु है, तंतु होता है। और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो है, जो आप लोग का अग्निरोधक वस्त्र बनाए जाते हैं उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक है, ये खनिज तंतु, संतु नहीं, यहाँ पे तंतु कर दीजिएगा। ओके, एक खनिज तंतु होता है, मैंने आप लोग को बता दिया। ओके, या अधातुए होती हैं, ठीक, इसमें मतलब बहुत ही कम मात्रा में जो है धातुविक होती हैं जिसे लोहों से, ये धातुवर्धनीय होती है। ओके, सॉरी, ये धातुवर्धनीय होती है जिसे हथौड़े से क्या कहा किया जाता है, पीट पीट के एक पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो मैंने अभी बताया कि ये अग्निरोधक वस्त्र बनाने के लिए, तो इस तंतु का हम ये क्या होता है, अज्वलनशील होता है, इसलिए इसे क्या किया जाता है, इसे अग्निरोधक वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। ओके, इन तंतुओं में अत्यधिक तन्यता रहती है जिससे इनके पतले तार खींचे जा सकते हैं। ओके, और यह अग्नि संयम वस्त्र बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। ये आपके एस्बेस्टेज के बारे में है। ओके, तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछा गया है तो इसलिए पूरी तरह से इसको याद करिएगा आप लोग। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अपना, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रश्न है कि कैलेंडरिंग क्या है, ठीक है, कैलेंडरिंग क्या है? तो कैलेंडरिंग एक क्या होती है, आधारभूत परिसज्जा होती है, ठीक, एक आधारभूत परिसज्जा होती है। यह प्रक्रिया थी उसी प्रकार से की जाती है जिस प्रकार हम घर पर वस्त्रों पर इस्त्री करते हैं। बड़े पैमाने पर इस्त्री करने की प्रक्रिया ही कैलेंडरिंग कहलाती है। यह प्रक्रिया वस्त्रों पर चमक लाती है। ओके, तो ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो थे, आपके 10 क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। आप लोगों को मैं और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है
दूंगी। तो अगर वीडियो को आप लोग को पसंद आया हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में कमेंट भी ज़रूर बताइएगा कि कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए। ओके, तो अगली वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।